देव सेना, तुम पर इल्जाम है कि तुमने कोरोना वैक्सीन चुराया। वैक्सीन मैंने नहीं, तेरे सेना नायक ने था चुराया, इसलिए मैंने उसका अंगूठा काट खाया। मुर्गे मछली कम पड़ गए जो इंसानों को खाने लगी, लगता है चाइना से मिल गई, बीमारी फैलाने लगी, बोल कौन सा नया वायरस बनाने लगी। मेरी सासू माँ भी कम नहीं, दारू के नशे में ससुर जी समझकर कोरोना वाले कुत्ते के साथ सो जाती है। तो तेरी क्यों जल जाती है? मेरी बोल पट्टी खोली तो उसी कुत्ते से तेरे मुंह में खसवा दूंगी, फिर बैठ कर रोना। मैं एक ऑर्डर दारू रोज पीती हूँ, मुझको नहीं होगा कोरोना। बाहुबली, अरे देव सेना का बॉयफ्रेंड आ गया रे। जी हाँ जी हाँ। सेना नायक पहले वैक्सीन का पता लगाओ। महाराज वैक्सीन तो यही चुराई है और इसको मैं चाइना से बात करती हूँ। महाराज बाहुबली भी 5-5 रुपए वैक्सीन देने की बात कर रहा था। बाहुबली 5 रुपए में वैक्सीन? वैक्सीन क्या तुम्हारे बाप का है? नहीं रे, तेरे बाप का और तेरा बाप मैं हूँ। लगता है केजीएफ देख कर आया है। अबे केजीएफ का डायलॉग छोड़ो, अपने डायलॉग बोल। हाँ बुढ़िया, मैं केजीएफ मूवी देख कर आया हूँ अपने जियो वाले मोबाइल में। तो अबे हाँ, जियो मोबाइल जिसका डिस्प्ले टूटा है। अबे अपनी लोगाई से पूछ, इसने वैक्सीन लूटा है? वैक्सीन किसने चुराया देवसेना? ये साला रोज सवेरे लोटा लेकर जाता, जहाँ इसका अड्डा है वहाँ वैक्सीन छुपाता है, करके एक गड्ढा है। मैंने कहा वैक्सीन मुझे दे दे, बोला ले ले बाबा जी का घंटा है। भले ही छीना झपटी में मेरा मुंह टूटा, लेकिन मैंने भी तो काट खाया उसका अंगूठा। गलत किया देव सेना तुमने, जो वैक्सीन चुराता है उसका अंगूठा नहीं, काटते हैं उसका गला। दोस्तों वीडियो देखकर अगर आई है आपके चेहरे पर हंसी तो हमें भी दे दीजिए थोड़ी सी खुशी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सके लिए हमें अपना दोस्त बना लीजिए। थैंक यू।